الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة اور اس کی हमारा ये मौजू जो चल रहा है हम इस मौजू के तहत जन्नत के अवसाफ़ और जन्नत में मौजूद अल्लाह तबारक की नेमतों की तफसीलात जान रहे हैं आपके सामने जन्नत की अवसाफ़ और जन्नत की तफसीलात से मुतल मतद बातें आईं आज की इस मुलाकात में हम आपके सामने जन्नत की नहरें और उसके चश्मे अल्लाह तबारक ने जो जन्नत तैयार फरमाई है मोमिनों के लिए उसमें दूध की नहरें बह रही होंगी शराब की नहरें बह रही होंगी शहद की नहरें बह रही होंगी और खुश जायका पानी की नहरें बह रही होंगी और ये पानी और ये दूध और शराब और ये शहद ऐसे होंगे जिनका जायका कभी तब्दील नहीं होगा अल्लाह तबारक तशात फरमाया

ऐसी नहरें हैं दूध की जिनका जायका कभी तब्दील नहीं होगा और शराब की ऐसी लज्जत वाली नहरें हैं जिसमें पीने वालों के लिए खूब लज्जत होगी और खालि साफ़ शफाफ औरजिनल शहद की नहरें हैं ये जन्नत है जिसकी अल्लाह तबारक मिसाल बयान फरमाई और कहा जिस जन्नत का वादा मुतकीयों से किया गया है उसमें ये नहरें जारी होंगी दुनिया की नहरें हैं और दुनिया में पानी और शराब और शहद और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं ये कुछ दिन तक रखी रहती हैं तो उनका बू उनका जायका उनका मज़ा ये बदल जाता है बदबू आने लगती है ख़राब हो जाती हैं मगर जन्नत की नहरें कभी जो है ख़राब ना होंगी ये चश्मे कभी ख़राब ना होंगे कौसर जन्नत की एक नहर है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा अनसदी अल्लाह तह रवायत फरमाते हैं कि रसूल सल्ला वसलम से सवाल किया गया मल कौसर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलाम कोसर क्या है ذاك نهر اعطانيه الله عز وجل नहरुआ अज्वज यानफिलजन् ये नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में अता फ़रमाया है कौसर जन्नत की एक नहर है जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर से अता फ़रमाया है अशद बयादम मिनल्ला बनी वाह मिनसली जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से ज़्यादा मीठा होगा इमाम तिलमिजी रही ने सदीस को अब जन्ना nice में बाब मा जा आ फ़िस्फ़तिल जन्ना में जिक्र फरमाया है तो कोसर भी जन्नत की एक नहर है जो ख़ास तौर से अल्लाह के नबी आसलातलम को अई है अल्लाह तशात फरमाया इन् आता कल कोसर बेशक हमने आप को कौसर अता फ़रमाया है यही कौसर है जो जन्नत की एक अज़ीम नहर है जो ख़ास तौर से अल्लाह के नबी आ सलात को अई है इसी तरह से अहिल जन्त हसब ख़्वाहिश छोटी छोटी नहरें भी निकाल कर अपने महल्लात तक अपने बंगलों तक अपने कोठियों तक ले जाएंगे। एक तो आम जनरल नहरें बह रही होंगी और बड़ी बड़ी नहरें बह रही होंगी अहले जन्नत उसमें से पिएंगे। और जिस तरह से चाहेंगे उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल कर अपने महल्लात अपने बंगलों और अपने कोठियों तक भी ले जाएंगे अल्लाह तबारक जो नहरें बनाई हैं रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सफ़र फरमाया इन फिल बहर अल माई व बहर अल असली व बहर अल लबनी व बहर अल ख़मरी तो मत तशकुलानहारबाद बेशक जन्नत में पानी का समंदर है बेशक जन्नत में शहद का समंदर है जन्नत में दूध का समंदर है जन्नत में शराब का समंदर है और फिर इन समंदरों से छोटी छोटी नहरें जो है निकलेंगी और निकल करके वो जन्नतियों के कोठियों तो जाएंगी इमाम तिरमिज़ रही ने इस हदीस को बाबुल जन्ना में बाब माजा अनहारिल जन्ना में जिक्र फरमाया है अल्लाह ताला ने सूरह हहर में आयत नंबर पाँच और छः में शात फरमाया इन अबरा रबु मिन का कान का न मिजा आई नहीं बिहा इबादुल्ल युफ़त तफजीरा बेशक नेक लोग बर लोग अच्छे लोग मुतकी लोग जिन्होंने नेकियां अंजाम दी हैं ये ऐसे काश से ऐसे जाम से पियेंगे जिसमें काफूर की मिलावट होगी काफूर एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के बंदे पियेंगे युफ़त नहा तफजीरा और उसको वो छोटी छोटी नहरें और उसको फाड़ करके अपने मोहल्ला और बंगलों तक लेकर के जाएंगे तो नजरिन कराम ये जन्नत की नहरें हैं और ये जन्नत की नहरों की खसूसियत और ख़ूबियाँ हैं जन्नत के चश्मों का नाम अल्लाह तबारक कुरान करीम में कई चश्मों का तस्करा फरमाया है जिसमें से एक चश्मा है तस्नीम तस्नीम ये जन्नत के एक चश्मे का नाम है जो मकरब और अबरार के लिए ख़ास होगा अल्लाह तबारक तआला के जो ख़ास मकरब बंदे होंगे अल्लाह ताला के खूसी र्ब रखने वाले बंदे होंगे वो तस्नीम चश्मे से पियेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया, तरमायाबरारा लफी नईम अल अराकी अंदरून तारीफ़ी नदरतना मखतुम खिताफ़ी का फलियनाफ़िलतनाफ़िस तस्नीम आई يشرب यशरब المقربون, सूरतुल सूरतमतफ़ीन आयत नंबर बाईस से आयत नंबर अठाईस तक अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे अल के अंदरून वो जो है तख्तों पर टेक लगाए हुए बैठे हुए होंगे तारीफूह हिम नजर तनाईम उनके चेहरों में तुम तरावट को और ताजगी को और ख़ुशी को महसूस करोगे इस युष नह मखतूम बंद शराब से पिलाए जाएंगे जिस पर जो है मुश्किल खत्म लगी होगी मुहर लगी होगी का वफ़ीदा कफलतनाफसल मुतनाफ़सून इसी के बारे में बढ़ने वालों दौड़ने वालों सफ़त करने वालों कंपटीशन करने वालों को कंपटीशन करना चाहिए वह मिजाज हम तस्नीम और इसमें तस्नीम की मिलावट होगी और तस्नीम क्या है आई न यशरबहलमकरबून ये, ये एक चश्मा है जिससे उसके मकर्रब बंदे पिएंगे तो तस्नीम यह जन्नत के चश्मे का नाम है जो अल्लाह तबार को के मकरब और ख़ास बंदों के लिए ख़ास होगा इसी तरह से जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है सलसबील الله تبارك وتعالى نے قران کریم میں ويسقون فيها كاسا का न मिजा जुहा जनजीला आई ननफी हा तुसम सरसबीला इसी तरीके से सूरत हर में अल्ला ने बयान फरमाया है कि उसमें वो ऐसा जाम पिलाए जाएंगे जिसका मिजाज़ ज़न जबील सोंठ की मिलावट उसमें होगी और ये ऐसा चश्मा है जिसका नाम सरसबील रखा गया है तो सरसबील ये जन्नत का एक चश्मा है जो जन्नत में जारी होगा और अल्लाह के न एक बंदे अल्लाह के मकरब बंदे उसमें से पियेंगे इसी तरीके से जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा काफूर है अल्लाह ताला ने फरमाया इन लबरार रशरबू मिन कासिन सन का काफूरा आई नबु बिहा इबादुल्ला उजरू तफजीरा बेशक नेक बंदे ऐसे जाम से पियेंगे जिसमें काफूर की मिलावट होगी और काफूर एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के बंदे पियेंगे और उसको चश्मा से फूट करके निकाल करके लेकर के जाएंगे सूरह दहर आयत नंबर पाँच और छः तो जन्नत के चश्मों में से एक चश्मे का नाम काफूर भी है इसी तरह से चश्मों में से सफ़ेद चमकदार और लजीज़ शराब बरामद होगी ये जो चश्मे जारी होंगे और जन्नत के चश्मे होंगे उसमें से सफ़ेद चमकदार और नहायत ही लजीज़ शराब मिलेगी और शराब निकलेगी अल्लाह ताला ने फरमाया युताफु उफ़ल बेकासिम बज़तिल्लारबिन लाफ़ी ला हगौल वलाम्न्हाफ़ुन कि उनके ऊपर चश्मे के जाम को लेकर के चक्कर लगाया जाएगा छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर चक्कर लगाएंगे जो सफ़ेद होगा और पीने वालों के लिए बहुत ही लज्जत वाला होगा उसमें किसी तरह से नींद और किसी तरीके से बेहोशी की बात नहीं होगी और ना किसी तरीके से उसको पीने के बाद हल्कापन होंगे या सुस्ती का शिकार होंगे या किसी तरीके से जो है क्या नाम है अक्ल के ज़ाय होने का शिकार होंगे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी सूर्य साफ़ात आयत नंबर इकतालीस से लेकर आयत नंबर पैंतालीस तक इसी तरीके से बाद चश्मों के बारे में अल्लाह ताली ने बयान फरमाया कि ये चश्मे फवारों की तरह से उबल रहे होंगे अल्लाह ने फरमाया फ़ी ही आयी नीन ख़तान उसमें दो चश्मे ऐसे हैं जो तेज़ी के साथ उबल रहे होंगे सूरह रहमान आयत नंबर छः तो कुछ चश्मे तो ऐसे नॉर्मल बह रहे होंगे और कुछ चश्मे ऐसे फवारों की तरह से जोश मार करके ज़मीन से उबल रहे होंगे तो ये जन्नत के चश्मे हैं नाजरीन के राम आपने देखा कि जन्नत की नहरें और जन्नत के चश्मे और उनका नाम और उनकी तफसीलात और उनमें पाए जाने वाले पानी और दूध और शहद और शराब किस तरीके से वो लजीज़ होंगे इसी तरीके से जन्नत की एक जो नहर है कौसर और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जन्नत की नहर कौसर ये अल्लाह के नबी वसल्लम को सता की हुई एक ख़ास नहर है जिसको अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है कौसर के बारे में कुछ तफसी हदीसों में आई हैं मैं आपके सामने उसको भी ज़िक्र देना चाहता हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने एजाज़ अता फरमाया है कौसर जैसी नहर नबी अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया है तो कौसर जन्नत की एक नहर है जिसे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सलम को अता फ़रमाया है अऊदबा शैतजीम इन्ना तोना कल कौसर बेशक हमने आपको कौसर दिया और तआला ने रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जन्नत में जा रहा था कि मैं कौसर जो है एक नहर के पास पहुंचा जिसके किनारा सोने का है मैंने कहा है जबरील ये क्या है यह कौन सी नहर है जबरीलीसलातलम कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी नबीम कौसर है जिसे अल्लाह तबारक ने आपको अता फरमाया है इमाम बखारी रही ने सदीस किताबाक़ में बाब उनफिल हाउस में झिक्रमाया है न कौसर के अवसाक़ के बारे में अगर हम तफसलत देखें तो मुख्तलिफ़ तफसलत आई हैं सबसे पहली बात तो ये है कि नाहर कौसर के दोनों किनारे पर मोतियों के गुम्बद हैं जिन्हें अंदर से तराश कर बनाया है रे कौसर के दोनों किनारे पर साहिल किनारे पर साहिल पर ये मोतियों के गुंबद हैं जिन्हें मोतियों को तराश करके बनाया गया है इसी तरीके से बुखारी हदीस मौजूद है जो हमने जिक्र किताब रकाब में दोनों किनारे सोने के हैं इमाम तिरमिजी रिमोल्ल्ला ने बाब तफसीर में बाबो तफसर कौसर में जिक्रमाया है इसी तरह से इसका पानी मोती और याकूत पर बहता है यानी जो पानी बह रहा है कौसर का ये ज़मीन पर नहीं बहता है ये मोती और याकूत पर बहता है और जो है क्या नाम है अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोता फरमाया है इमाम तिर्मिज़ी ने साबिका हवाले में नकल फरमाया है इसी तरीके से इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है इमाम तिर्मिज़ी रही ने जिक्र फरमाया है इसकी जो मिट्टी है बश से ज़्यादा खुशबूदार है इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है इसी तरीके से नहरे कौसर में ऊँटों जैसे गर्दन वाली चिड़िया होंगी जिनका गोश्त जन्नती खाएंगे यानी नहर कौसर में चिड़िया होंगी और ये चिड़िया इतनी लंबी गर्दन वाली होंगी जैसे ऊंट की गर्दन बहुत लंबी हुआ करती है ऐसे चिड़िया होंगी और इन चिड़िया के गोश्त को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि जन्नतियों को खिलाया जाएगा ये नहर कौसर की कुछ तफसीलात हैं जो इमाम तिर्मिज़ी तिरमिज़ी ने जिक्र फरमाए हैं इसी तरीके से हौज़े कौसर एक है हौज़े कौसर क्या है हौज कौसर और नहर कौसर ये दो चीज़ें हैं नाजरीन राम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं हौदे कौसर और नहर कोसर हौज कौसर ये जन्नत के बाहर है और नहर कौसर ये जन्नत के अंदर है हौजे कौसर ये मैदान महशर में होगा जिसमें से अल्लाह के नबी आसलाम अपनी उम्मतियों को जाम पिलाएंगे पानी पिलाएंगे सैराब करेंगे और नहर कौसर यह जन्नत के अंदर है कौसर की तफसीत क्या है चूँकि हमारा मौजू जन्नत की नमतें हैं इसलिए बड़ी तफसील नहीं लेकिन थोड़ी सी बात हौदे कौसर के बारे में आपके सामने बयान करने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ जिसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलाम का मिंबर क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर रखा जाएगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस पर तशरीफ़ लाएंगे और अपने दस्ते मुबारक से अहले ईमान को जाम कौसर से सैराब करेंगे ये बातें इमाम बुखारी रही ने किताब किताबलक़ाक़ाक़ाक़ में फिल हौज में िकरमाया है इसी तरीके से मुस्लिम रहमतुल्लाह रमतल ने फजाइल में बाब इस्बात हौद नबी इना सल्ल वसल्लम में जिक्र है हैद कौसर बहुत बड़ा होगा इमाम मुस्लिम रिमल्ला ने फजाइल में बाब व्सबात हौद नबीना में इसको जिक्र जिकरमाया है इसी तरह से हौदे कौसर के बारे में आया है इसी जगह पर मुस्लिम में ही इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा कौसर पर सोने और चांदी के जाम होंगे जो गिलास होंगे जो जाम होंगे वो हौजे के सोने और चांदी के होंगे जिनकी तादाद आसमान के तारों के बराबर होगी जिसमें इस से जन्नती को सैराब किया जाएगा इमाम मुस्लिम रही महोल्ला ने इसको जिक्रमाया है इसी तरीके से नजरीन राम जिसने एक मरतबा हौज कौसर पर पानी पी ली वो दोबारा कभी प्यासा नहीं होगा इमाम मुस्लिम रही मोलि की रिवायत करता हदीस इसमें यह तफसील मौजूद है कि एक मरतबा जो पानी उसमें से पी लिया हौज़े कोसर में से जब मैदान महशर में लोग बहुत परेशान होंगे और सूरज बिल्कुल हमारे सरों पर आ चुका होगा और बहुत सख्त की गर्मी होगी और लोग परेशान हाल होंगे उस मौके पर जब उनको हौज़े कावसर से पिलाया जाएगा ये इतना प्यारा पानी होगा और इतना मीठा पानी होगा कि इसको पीने के बाद दोबारा जो है इंसान को प्यास नहीं लगेगी इसी तरीके से वसल्लम अपनी उम्मत को हहदे कोसत से सैलाब करने के लिए वजू के सबब चमकती हुई पेशानी और चमकते हुए हाथ से पहचानेंगे आदमी जो वजू करता है नमाज पढ़ने के लिए तो वजू के करने की वजह से उसके हाथ और पैर ये चमक रहे होंगे और इससे अल्लाह के नबी आल तो अपनी उम्मतियों को पहचान जाएंगे और इनकी पहचान होगी इब्न माजा ने किताब जहद में बाबुल फिलहद में फरमाया है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो लोग हौज़े कौसर के पानी से महरूम होंगे हौज़े कौसर के जाम से महरूम होंगे इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जब वो वजू नहीं करते हैं तो उनकी आजा नहीं चमकेंगे और अल्लाह के नबी आसलाम उनको पहचान नहीं सकेंगे इसलिए वो महरूम हो जाएंगे इसलिए नाजरीन के राम हम में से हर एक को इस बात का अहतमाम करना चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें और वज़ू की पाबंदी करें और नमाज पढ़ें तो आपके आज़ाय वज़ू चमकेंगे और अल्लाह के नबी आलाम के दस्ते मुबारक से आप कल हौदे कोथर से जाम पीने के मुस्तक होंगे इसी तरीके से हौदे कोथर के बारे में हदीसों में ये बात भी बयान की गई है बुखारी ने किताबलकाक़ाक़ में बाबन फिलहद में इस हदीस को फरमाया है कि जो लोग दीन में बिदतें ईजाद करते हैं दीन में नई नई चीज़ें याद करते हैं वो लोग भी हौदे कौसर से महरूम हो जाएंगे चुनानचे लंबा वाक है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हौदे कौसर पर लोगों को पानी पिला रहे होंगे और लोग चूक दर जूक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आ रहे होंगे और सबको आप जाम से सैरा फरमा रहे होंगे इसी दौरान एक बड़ी जमात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ़ बढ़ेगी कि जाके आपके दस्ते मुबारक से जाम पिए लेकिन अल्लाह के नबी सलाम तक पहुँचने से पहले फ़रिश्ते इन लोगों को रोक देंगे और हौज़ कौसर की तरफ़ नहीं जाने देंगे अल्लाह के नबी सलाम देखेंगे तो कहेंगे क्यों आपने उन लोगों को रोक दिया ये मेरी उम्मत के लोग हैं फ़रिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आल्लाम आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके बाद किस तरीके से दीन में तब्दीली कर दी किस तरीके से दीन में नई नई चीज़ें ईजाद की इसलिए जो हमारे भाई बिदात ईजाद करते हैं या बिदात पर अमल करते हैं बिदात को रवाज़ देते हैं उन्हें अल्लाह तबारक ताली से डरना चाहिए कि बदतें ईजाद करने वाला हौज़ कौसर से महरूम होगा जब नबी आसालाम से कहा जाएगा कि आपको नहीं मालूम कि इन्होंने क्या क्या बिदतें ईजाद की हैं नई नई चीज़ें इन्होंने ईजाद की हैं दीन को इन्होंने बदल डाला तो अल्लाह के नबीम फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गई अनबादी उसके लिए दूर हो जाओ दूर हो जाओ हमसे वो सारे लोग जिन्होंने हमारे दीन को और हमारे बाद बदल दिया है तोदे कौसर से वो लोग भी महरूम होंगे जो लोग बिदतें ईजाद करते हैं तो नजरिन के ये कौसर और अवे कोथर के बारे में थोड़ी सी तफसील हुई अब इसके बाद आप आइए थोड़ी सी जन्नत की मिट्टी के बारे में हम और आप जानें कि जन्नत की मिट्टी कैसी होगी चुनान अल्लाह के नबी आल ने फरमाया फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो मैंने देखा कि वहाँ मोतियों के ख़ीमे हैं और उसकी मिट्टी मुश्किल है तो जन्नत की मिट्टी ये मुश्किल होगी उसमें से खुशबू आएगी जन्नत का मौसम कैसा होगा जन्नत के मौसम के बारे में ये जो आयतें अल्लाह ताला ने कलाम में पाक में नजर फरमाई है जिससे पता चलता है कि जन्नत का मौसम ना तो सख्त गर्मी वाला होगा ना सख्त ठंडी वाला होगा जन्नत का मौसम नहायत ही मतदिल और सदाबहार होगा अल्लाह तरमाया सूर तहर में ला यौ नफ़ी हा वला जमहरीरा उसमें वो ना तो सख्त धूप देखेंगे और ना सख्त ठंडक महसूस करेंगे जमहरीर सख्त ठंडक को कहते हैं ठंडी भी ज़्यादा लगती है तो आदमी को तकलीफ़ होती है और धूप भी ज़्यादा लगती है तो आदमी को तकलीफ़ होती है तो जन्नत में ना तो सख्त गर्मी होगी और ना तो सख्त ठंडी होगी मौसम बिल्कुल मतदिल और सदा बहार होगा इसी तरीके से सूरत में आयत नंबर एक सौ उन्नीस में अल्ला व अन कला तजम उफ़ी हा व कि ना तुम उसमें प्यासे होगे और ना तुम उसमें धूप का शिकार होगे। तो जन्नत का मौसम इस तरीके से होगा ये कुछ और साफ़ है नजर राम जो जन्नत के बारे में आपको बताई गई अब कुछ बातें ऐसी आपको बताई जा रही यहाँ पर कि जन्नत की कुछ नमतें या जन्नत की कुछ चीज़ें जो दुनिया में मौजूद हैं जन्नत की कुछ चीज़ें जो हदीसों में आई हैं कि ये जन्नत की चीज़ें लेकिन दुनिया में मौजूद हैं मिसाल के तौर तो पर उनमें से सबसे पहली चीज़ हजर असवद है हजर आसद ये जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है खाने काबा के कोने में जो लगा हुआ है और जिसको छूआ जाता है चूम करके तवाफ शुरू किया जाता है उसको चूना गुनाहों के झड़ने का ज़रिया है तो ये हजर इस जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है जो जन्नत से नाजिल किया गया है अल्लाह के नबी सलाम फ़रमाते हैं अल्लाह अब्दुल्लबादी तबाद करते हैं कि हजर आसवद ये जन्नत से नाजिल हुआ पत्थर है ये जब नाजिल हुआ था तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था बनु आदम के गुनाहों ने सुकाला कर दिया इमाम तिलमिज़ी रही ने अबू अबुल अबुलज में बाब फजल हजर री फरमाया है इसी तरीके से अजवा खजूर जो है जिसकी बड़ी फजीलत है अजवा खजूर ये जन्नत का फल है और इसी तरीके से मकाम इब्राहिम में जन्नत का पत्थर है इसी तरीके से जैतून जो दरख्त है और जो फल है ये जन्नत का फल है तो ये भी जन्नत के पल और व पत्थर में से है अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अजवतु व शख रतु व शज रतु जन्ना की अजवा खजूर भी मक़ामी इब्राहिम भी और इसी तरीके से शजरा यानी जैतून का दरख्त ये सब जन्नत में से है इमाम हाकिम ने मुस्तरक में जिल नंबर चार सफा नंबर दो सौ छब्बीस में इसको फरमाया है इसी तरीके से अल्लाह के नबी वम का जो हजर शरीफा यानी तक का जो घर था और नबी नबीम का जो मंबर था बीच का जो हिस्सा है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है अल्लाह के नबी सलाम फ़रमाते हैं रजी अल्लाह तवाय तो फरमाया कि माँ बई ना बई तुम बरी राउत तुम बर जन्ना मेरे घर और मेरे मंबर के बीच में जो हिस्सा है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है बुखारी ने किताब सलात में फिर महद मक्मदीना महदिक फरमाया है इसी तरीके से मेहदी यह जन्नत की खुशबू है ये अब्दुल नमर तवाय फ़रमाते हैं कि अल्लाह के तो नबी उल्लाम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबुओं में से सबसे अहम खुशबू हिन्ना है ने मेहदी शेख अलबानी रहमल ने सदीस को सिलसिला सीरतुल हादिस सहिया में एक हज़ार चार बीस नंबर पर जी फरमाया है इसी तरीके से बकरी जन्नत के जानवरों में से एक जानवर है रुगा, बकरी जन्नत के जानवरों में से जानवर है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी ने फरमाया इन्नल गनम मिन दवाब बिल जन्नति फमसहु बि रुगामहा वसल्लु फी मराबिज़िहा ये बकरी जन्नत के जानवरों में से एक जानवर है तो तुम जो है उसके बारे में साफ़ करके उसमें नमाज़ पढ़ सकते हो शेख हलवानी रही हदीस को श सैदुल्ला सियाह में एक हज़ार एक सौ अट्ठाईस में फरमाया है तो बकरी जन्नत के जानवरों में से एक जानवर है ये अल्लाह के नबी सला फरमाया इसी तरीके से वाद बूतहान ये जन्नत की एक वादी है वाद बुतहान ये मदीना से मतसिल मदीना से मिली हुई एक बस्ती है कुबा वहाँ उसके करीब एक वादी है नहर है वो जो है उसको कहते हैं बूतहान तो वाद बूढ़ान ये जन्नत के वादियों में से एक वादी है ये अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया चुनान चेयस रजल्लावायत फ़रमाती है कि बूतहान अलाबिर का तम बुरा किल जन्न यानी बुतहान जन्नत के तालाबों में से एक तालाब पर है तो बुतहान जो ये वादी है ये जन्नत की वादी है जन्नत के तालाबों में से एक तालाब पर है वाली रही महिला ने सदीस को सलत सहिया में सात सौ उनहत्तर नंबर पर ज़िक्रमाया है तो ये भी जन्नत की वादियों में से एक वादी है इस तरीके से नाजरिन कराम हमने आप सामने जो पेश किया उनमें से एक बात तो ये पेश की कि जन्नत की नहरें और चश्मे की कैफियत और उसकी तफसील क्या है यह आपके सामने बात आई कि कितनी किस्म की नहरें हैं और किस तरीके से दूध और शराब और शहद और पानी हर तरह की नहरें जारी होंगी और कितना लजीज उनका पानी होगा कितना मीठा पानी होगा कितना साफ़ सुथरा होगा और किस तरीके से जो उसकी शहद होगी और किस तरीके से उसका दूध होगा और किस तरीके से आसानी के साथ जन्नति उसमें से पियेंगे और आसानी के साथ अपने महल्लात और अपनी कोठियों और बंगलों में और जहाँ चाहेंगे उसको लेकर के जाएंगे कितनी आसानी होगी उसका पानी कभी ख़राब नहीं होगा और आदमी पी लेगा इतनी उसको लज्जत महसूस होगी और इसी तरीके से आपके सामने कौसर के बारे में थोड़ी सी तफसील हमने रखी कि कौसर ये ऐसा नहर है जो अल्लाह के नबी आलामाम तो को अता फरमाया गया है ये नबीम की खसूसियत तो है और नबी अलैहिस्सलाम तो के इम्तियाज़ात में से है कि जन्नत में आपको एक खसूसी नहर अता फरमाया गया है और नहर कौसर से ही हौज़ कौसर उसी से एक नहर निकल करके आया है जहाँ पर हौज़ कौसर होगा नहर कौसर के बारे में आपको हमने बताया और हौज़ कौसर के बारे में आपको हमने बताया कि अल्लाह के नबी आसलाम इस इससे जब अपने ममतिियों को सैराफ़ करेंगे जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते महरूम होंगे और इसी तरीके से अहल बिदात भी महरूम होंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें जन्नत की नियमों से फायदा उठाने की तोफ़ी अदा फरमाए और हमें जन्नत का मुस्तक बनाए आदमा इंदी अल्लाह तमाम अलहमदिल्ल रबालमिन वल्ला महमद वसलम تسليما كثيرا